हेलो फ्रेंड्स, मैं कलीम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास गाड़ी आई है सुप्रो। इसमें दिक्कत यह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। किसी मैकेनिक भाई से दिखाया था तो उन्होंने इसका इंजेक्टर करा दिया था, उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मेरे पास आई गाड़ी है टो करके, तो बने रहे इस वीडियो में, आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। इसका है क्लस्टर मीटर, स्विच ऑन करने पे अभी तो बंद हो गया, सेल्फ मारे हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम इसको सेल्फ मारते हैं तो स्टार्ट नहीं हो रही है। लंबा सेल्फ ले रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और दोबारा फिर से आ गया इसका इंजन वाले जो इंडिकेशन है, तो हम इसको करते हैं स्कैन और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट कोड है। तो बने रहे इस वीडियो में। हमने इसका स्कैनर जो है कनेक्ट कर दिया है, अब हम इसको करते हैं रीड फॉल्ट कोड और देखते हैं इसका क्या कोड बन रहा है। तो अभी फ्रेंड्स, ये टेम्परेरी कोड है, हम इसको एक बार क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद फिर हम इसको रीड फॉल्ट कोड करेंगे। अभी नो ट्रबल कोड आ रहा है। गाड़ी को हम करेंगे क्रैंकिंग। फिर भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और इसका चेक इंजन है वो फिर से आ जाएगा सेल्फ मारने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम क्रैंकिंग कर रहे हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है और ये चेक इंजन जो है इसका इंजन वाले बत्ती आ गई, ब्लिंक कर रही है। तो हम इसको करेंगे रीड फॉल्ट कोड और देखेंगे क्या कोड आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आ रहा है एरर फॉर मैक्सिमम रेल प्रेशर। तो इसका जो रेल प्रेशर का जो है, ये फिटिंग हुए है रेल प्रेशर है, इसको खोलेंगे हम। तीन पाइप इसका, इसको खोल के कपलर निकाल देंगे इसका। ये इसका कपलर, तो पहले इसका कपलर चेक करेंगे। तो कपलर जैसे देख सकते हैं, इसकी वायर सही है बिल्कुल और अंदर कार्बन भी नहीं है। तो हम इसको पहले रेल प्रेशर खोलेंगे क्योंकि रेल प्रेशर का ही कोड आ रहा था। अगर करंट का होता तो हमारा रेल प्रेशर सेंसर। हम इसको खोलेंगे। 27 नंबर का इसमें स्पैनर लगेगा, इसको खोल देंगे। खोल दिया हमने। ये हमारे पास दूसरा है चेक करने के लिए, बिल्कुल ओके कंडीशन है। इसको हम इसमें फिटिंग कर देंगे। ये हमारा जो है रेल प्रेशर सेंसर, इसको हम फिटिंग कर देंगे। फिट करने के बाद इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इसको गाड़ी के अंदर लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसकी जो है पाइपें सारी जो है अच्छे तरीके से टाइट करके इसका जो कपलर है वो कपलर हम लगा देंगे इसमें। कपलर लगाने के बाद एक बार चेक कर लेंगे इसका जो भी हमने खोला था, और ये जो कोड बन रहा था फ्रेंड्स, इसको हम क्लियर कर देंगे। अभी नो ट्रबल कोड आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम इसको एयर प्लेटिंग करेंगे क्योंकि इसकी पाइप पे खोला था हमने। और तो हम पहले इसको, इसका बताया हुआ है यहाँ पे, तो पहले हम इसका ब्रेक ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करके ब्रेक पैडल को होल्ड करके और एक्सीलेटर पैडल है चार बार दबाएंगे और पांचवी बार इसको हम प्रेस कर देंगे। होल्ड करने के बाद जो इंजन की लाइट है वो ब्लिंक करेगी। अब इसको हम हटा देंगे एक्सीलेटर से, ब्रेक से, और जब तक ये ब्लिंक कर रही है तब तक वेट करेंगे।
जब ये पूरी तरह से एयर निकल जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो हम सेल्फ मार के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक जल रही है, ये हमारा ब्लेडिंग हो गई है, अब हम मारते हैं सेल्फ। ब्रेकिंग कर रहे हैं और ये हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट होने वाली है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट है। फ्रेंड्स बारिश लगी है, इस वजह से हमने इस थोड़ा दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। हमारी गाड़ी है देख सकते हैं आप, स्टार्ट हो गई है और इसके जो क्लस्टर मीटर में जो लाइट आ रही थी वो भी ख़त्म हो गया और इसका कोड भी नहीं बन रहा। एक बार फिर आप लोगों को चेक करा देंगे इसका कोड, तो हम रीड फॉरवर्ड कोड करेंगे। अभी नो ट्रबल कोड, हमारा काम जो है वो ओके हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था इसका बीमारी, फिर से हम करते हैं स्टार्ट इसको और फिर से स्टार्ट करेंगे और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा रेयर प्रेशर जो है ख़राब है, इसके वजह से गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है और ये कोड भी बन रहा था उसका। एक्सीलेटर वगैरह सब सही है। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो अच्छे लगे। लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।